इस समय हम लोग सभी हमारे स्कूल से, फादर इग्नेस स्कूल हमारा है, वहाँ के सभी टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस जगह का नाम सब सब जानते हो कि सांची है, और सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। तो हम सबसे जानते हैं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर। तो आप बताइए राहुल सर, कि आपको कैसा लगा यहाँ। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पहली बार विजिट करने आया हूँ और मुझे यहाँ घूमकर बड़ा अच्छा ही लगा। यहाँ पर पुराने इतिहास के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आज भी प्रसिद्ध हैं जिसको देखकर हम प्रेरित हो सकते हैं, और हमने यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। यहाँ के जो व्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं और देखने लायक है। पंडित जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे हम पंडित जी बोलते हैं, इनको नाम इनका मनोज है, आप ही बताइए कि इसका इतिहास जो है, इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि किसने ये बनवाया था, किसके नाम से ये प्रसिद्ध हुआ, इसके बारे में कुछ। सर, कहा जाता है कि जो सांची का स्तूप है सम्राट अशोक जी का जो उन्होंने बनवाया था, और उन सम्राट अशोक के यहाँ पर और भी जो स्थान है, जैसे कि उनकी जो जहाँ पर सभाएं लगती थी वो सभागृह है वहाँ पर, और म्यूजियम है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं पुरानी, और काफ़ी पुराना साइज 1100 ईस्वी में ये सब बना था। सर, आप मुझे ये बताइए, मकूर सर इनका नाम है जी, आप मुझे ये बताइए कि भोपाल से हम किस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं जिसके थ्रू हम यहाँ पर आ सकते हैं, क्या किराया हो सकती है यहाँ का, और टिकट का क्या कितना लगता है, ये सब बताइए ताकि हमारे दर्शक को पता चले अगर कभी आएंगे। देखिए सर, वैसे तो यहाँ कार से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, और आप डायरेक्ट भोपाल से ट्रेन से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना है तो आप बस हायर करें या आप कार में आ सकते हैं। यहाँ का जो चार्ज है वो 30 रुपये पर पर्सन है। और सर, यहाँ पे खाने की कोई व्यवस्था है या घर से लाना पड़ेगा? कैफेटेरिया है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक आपको मिल सकती है, लेकिन घर से अगर आप बैग वगैरह लाते हैं तो ना लाएं, क्योंकि बैग जो है वो अलाउ नहीं है, ओनली फीमेल जो भी पर्सन आएंगे उनको साइड बैग अलाउ है। तो सर, ये ब्रिजेश सर हैं, ये बताइए सर कि यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, जितने भी आपने अभी तक व्यू देखे हैं। सर, मुझे ज़्यादातर जो अच्छी चीज़ लगी ना, जो पुराने चीज़ें हैं जो लोगों ने बनाई है, हमारे पुराने जो पुरातत्व विभाग जो इसको भी वो रिनोवेट कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी चीज़ है कि उनको देख के लगता है कि हम लोग कितने ज़्यादा वो थे, हम लोग क्या कह सकते हैं उस चीज़ को, हम कितने एडवांस थे, उस पुराने जमाने में भी हम इतने एडवांस थे कि आज के अभी जो दौर है वो उसको टक्कर नहीं दे सकता। जो यहाँ की कलाकृतियाँ हैं जो लेबर्स ने उस टाइम बनाया है, वो आज के मॉडर्न लेबर्स भी नहीं बना सकते विद द हेल्प ऑफ मशीन। ये नेचुरल चीजें जो इसमें पिक लेने में अच्छा लगता है, सेल्फी लेने में अच्छा लगता है। चलिए, आप बताइए सर कि ये जो कुछ मैंने अभी यहाँ घूमा था तो कुछ मूर्तियाँ मुझे टूटी हुई नजर आई, तो इसके पीछे क्या क्या सर, वो मूर्ति यहाँ आके वो डैमेज नहीं हुई है, आई थिंक वो मूर्तियाँ कहीं हमें पुरातत्व विभाग को कहीं से मिली होगी, पाषाण काल से या किसी भी जगह से, तो वो उनको एज अ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ रखा गया है। वो मूर्तियाँ जो यहाँ लगी हैं वो हमें बता दी कि हमारी सभ्यता जो पुराने समय से चली आ रही है वो हमारी एक तरह से धरोहर है। चलिए नितिन सर, आप मुझे बताइए कि ये जो डोम बना है यहाँ पे बड़ा सा, उस डोम के पीछे का क्या साइंस रहा होगा, या क्यों इस तरह की बनाई गई होगी, कुछ इसके बारे में अगर बता सकते हैं। देखिए, किसी भी धर्म को प्रदर्शित करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही हिसाब से बौद्ध धर्म का एक स्ट्रक्चर है, उसको इसी स्तूप के तौर पर दिखाया गया, जिसको अपन शांति का प्रतीक भी बोला जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो ये डोम जो बना है वो एक तरह से बौद्ध धर्म का एक संकेत है, चिन्ह बोलते हैं, जो मंत्र है या जो भी ये फॉलो करते हैं, उस स्क्रिप्चर को आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस डोम को ध्यान से देखेंगे तो दैट इज रिटन ऑन दैट, और हर चीज का अपना एक यहाँ मैसेज है, और बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये राजा अशोक को यहाँ के राजा के थ्रू दहेज उस टाइम दिया जाता था, तो दहेज में अपनी राजकुमारी विदिशी के लिए दिया गया था ये पूरा साम्राज्य अशोक के। और ये जो मूर्तियाँ करी पूरी और मूर्ति हमें और ज्यादा हमको और ज्ञान मिलता और समझ में आता है। सर, आप मुझे संजय सर हैं, आप मुझे बताइए सर कि हमने सुना है ऐसा और हमने पढ़ा भी है कि जो सम्राट अशोक थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन जो ये कलाकृति है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ऐसा क्या हुआ उनके साथ सम्राट अशोक के साथ जो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना? कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई थी पाषाण काल में उनके शासन काल में कि वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपनी ससुराल में, उनकी पत्नी विदिशा थी, विदिशा को उनके ससुराल में उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म को और बढ़ावा देने के लिए वहाँ से उन्होंने बौद्ध गया से कुछ बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ बुला के शेल्टर दिया, और
ये जो आप स्तूप देख रहे हैं बड़ा वाला स्तूप, इसमें कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जो परम शिष्य थे उनका एक अस्थि यहाँ संरक्षित की गई है। जो सबसे बड़ा स्तूप है उसमें उनकी अस्थि संरक्षित। बेसिकली जो वो चेंज हुए वो कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की राह पे चलना स्टार्ट किया, क्योंकि बौद्ध धर्म एक शांति का प्रतीक है। हाँ, 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 पहले जब राजा महाराजा की जब लड़ाई होती थी, जैसे हमें पता है कि हमारा भारत का जो नक्शा है पहले के जमाने में बहुत बड़ा होता था, तभी अशोक को चंड अशोक कहा जाता था, चंड अशोक कहा जाता था। बट आफ्टर दैट कलिंग युद्ध जो भी वार हुआ था उनके बीच में, जब उन्होंने हानि देखी लोगों की, जो बेमतलब के जनहानि जो देखी उन्होंने, उसके बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने लगा कि जो भी कर रहे हैं वो सब गलत है। उसका अंत जीतने के बाद ही मिला क्या उनको, जीतने के बाद भी अगर उनको सिर्फ मौत मिल रही है, लोग नुकसान हो रहे हैं, तो उस वजह से उन्होंने फिर थोड़ा शांति की तरफ। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तो हमसे पूछा, हम आपसे पूछना चाहते हैं आपको क्या प्रभावित कर रहा है। आप सब जानते होंगे ये राजन सर है, ज्योतिष मंत्र के देवता है, उनको चलाते हैं, तो आप बताइए सर आपको क्या प्रभावित। सर मुझे तो क्या है कि मुझे दोस्तों के साथ आना बहुत अच्छा लगता है, चाहे जगह कोई सी भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस जगह का क्या महत्व है? इस जगह से यह क्या कि जब भी कोई मैं ऐसी जगह जाता हूँ जो पुराने जमाने से संबंधित रहती है, वो मुझे बहुत भाती है, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, वो धार्मिक हो या ऐसी कोई जगह हो। और यहाँ पर जो कोई इतिहास है, जो हमारा इतिहास है जिसको लोग भूल गए हैं, हमारा जब भी इतिहास कहीं पर आएगा हमें वो अच्छा ही लगेगा। दैट्स व्हाई और आने वाली जनरेशन को भी हमें बताते रहना चाहिए, और इसीलिए हम ये शूट कर रहे हैं ताकि इसके थ्रू हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाए कि, क्योंकि आप सभी ने बहुत कुछ बताया है इस जगह के बारे में, इसलिए मैंने ये एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया ताकि आप हमारे दर्शक भी जान पाए कि आखिर इसके पीछे की क्या हिस्ट्री। और आप सबने बहुत अच्छा बताया, इसके सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्कार।